सारा प्रणाम, मैं हूँ प्रवीण तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत की। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है ताकत की लड़ाई। ताकत की लड़ाई, ज़मीन को कब्जाने की लड़ाई। एक देश दूसरे देश के खून का प्यासा हो गया है। चीन क्या कर रहा है बॉर्डर पर, ये हर हिंदुस्तानी जानता है। लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया दो ऐसे भी देश हैं जिनको आपने हाल में खबरों में सुनना शुरू किया होगा। ये दो बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, इतने छोटे कि आप समझ लीजिए हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर की तरह, और आबादी तो उनसे भी कम है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया को ये विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं। ऐसा क्या है इन दोनों देशों के बीच में, किस तरीके से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इनके पीछे लगी हुई हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। जंग बड़ी, बहुत बड़ी, अमेरिका रूस की सेना खड़ी। पर्दे के पीछे बिग फाइटर, इसीलिए वर्ल्ड वॉर का डर। महाविनाश का पूरा हिसाब, विश्व युद्ध के समीकरण खराब। दोनों देशों के युद्ध में पर्दे के पीछे लड़ रहा कौन? क्या आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग एटमी वॉर तक जाएगी? यूं तो ये देश ही बहुत छोटे छोटे से हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान, और इनके बीच में जो लड़ाई है नगरनो काराबाख, एक और बहुत ही छोटी सी जगह की, महज 4,500 स्क्वायर मीटर का ये इलाका है। और इस इलाके के लिए ये दोनों देश भयंकर युद्ध एक दूसरे के खिलाफ छेड़े हुए हैं। बीच में तुर्की भी उतर आया है। आखिर इन दोनों के बीच ये लड़ाई क्या है, कब से चली आ रही है ये लड़ाई, और क्यों ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो भी जानिए। जहां तक नजर जाती है वहां तक धुएं से सराबोर आसमान और धमाकों की आवाज से दिल दहल जाता है। यहां कब कौन किसे निशाना बना दे, ये कोई नहीं जानता। मैदान जंग में मौत मानो आंख मिचौली खेल रही हो। हिंदुस्तान की सरहद से करीब 4,000 किलोमीटर के फासले पर बर्बादियों का मंजर है। युद्ध की भीषण विभिष्टता में सुलगते दो मुल्कों में महायुद्ध का आगाज मानो हो चुका है। आग सरहदों की बंदिशों को तोड़कर मीलों तक तबाही की दास्तां लिखने को आतुर हो चुकी है। एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं आर्मेनिया और अजरबैजान ने पृथ्वी के महाविनाश की कथा लिखनी मानो शुरू कर दी हो। महायुद्ध के हथियार T-72 बैटल टैंक, BMP-1 इन्फेंट्री लड़ाकू विमान, D-20 होवित्ज़र तोप, F-16 लड़ाकू विमान, Sukhoi-25 फाइटर जेट, ड्रोन अटैक हेलीकॉप्टर्स, 2K-11 क्रूज मिसाइल। दुनिया
इन्हीं हथियारों के जरिए 4,400 वर्ग किलोमीटर के टुकड़े के लिए जंग लड़ी जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर नॉनस्टॉप फायरिंग कर रहे हैं। इन दो देशों की जंग में इंसानियत सिसकियां ले रही है। डर इसी बात का है, जिस तरह दोनों देशों ने तलवारें टांग रखी हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्मेनिया इस युद्ध में अब तक अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ आर्या पार की ठान ली। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर इस्कंदर मिसाइल से हमले की धमकी दी। जंग के लिए घातक इस्कंदर मिसाइल। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। ये मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती, टारगेट को सटीकता से तबाह करने में बेहद सक्षम। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह कि यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। क्या इन देशों की जंग इस मुकाम पर जाएगी? क्या 8 दशक बाद दुनिया एटमी तबाही पर पहुंचने वाली है? अगर हकीकत में ऐसा होने वाला है तो इंसानी वजूद पर संकट आ जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आर्मेनिया छोटा है और अजरबैजान उससे दो गुना, लेकिन इसके बावजूद आर्मेनिया की आर्मी ज्यादा तगड़ी है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा अनुशासित है। और पहले भी जो युद्ध हुए उनमें आर्मेनिया ने अजरबैजान को धूल चटा दी थी। इस सब के बावजूद अगर वैश्विक ताकतों को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी जितने भी मुस्लिम देश हैं वो एक साथ अजरबैजान के साथ खड़े हुए हैं। इसकी वजह है अजरबैजान मुस्लिम देश है और आर्मेनिया की ज़्यादातर आबादी ईसाई आबादी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इन दोनों देशों के पीछे खड़ी हुई हैं। बहरहाल ये युद्ध कहाँ तक पहुँचा है इस पर भी एक नज़र डालिए। ईसाई आबादी वाले देश आर्मेनिया और इस्लाम धर्म मानने वाला देश अजरबैजान के बीच कई दिनों से युद्ध चल रहा है। इस बीच अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन से हमला किया गया। पाकिस्तान और तुर्की से फंडेड कई आतंकी संगठनों को अजरबैजान भेजा जा चुका है ताकि वो आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में अजरबैजान की मदद कर सके। लेकिन अब खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है क्योंकि एक साथ कई मोर्चों पर कई देश आमने सामने आ चुके हैं। कुछ देर तो केवल आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध के कारण आमने सामने आने की स्थिति में बन चुके हैं। अजरबैजान और आर्मेनियाई सेना के बीच जारी भीषण झड़पों में दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के आग्रह को भी दरकिनार कर दिया। पूर्व सोवियत गणराज्य अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध को लेकर यूरोपीय देश भी संयुक्त राष्ट्र पहुंच चुके हैं। अब इस बीच दोनों ही देशों ने युद्ध रोकने और शांति के साथ समस्या का हल निकालने की विश्व समुदाय की अपील को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस पाशिनियान ने साफ किया कि वो अजरबैजान के साथ वार्ता के लिए तैयार नहीं है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा करती हैं, लेकिन इस युद्ध से समूचे विश्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। विश्व के मानचित्र पर इन देशों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, इतने छोटे हैं ये देश। इसके बावजूद विश्व युद्ध जैसी स्थिति सोचने वाली बात है। दरअसल इस युद्ध में इन दोनों ही देशों के साथ में बड़ी बड़ी महाशक्तियां खड़ी हुई हैं। रूस की तो बड़ी अजीब स्थिति है क्योंकि एक समय सोवियत संघ का ही हिस्सा ये दोनों देश हुआ करते थे। रूस दोनों के साथ ही दिखाई पड़ता है और दोनों को ही हथियार देता है। पहले की लड़ाइयों में भी रूस के सैनिक दोनों देशों की तरफ से लड़ चुके हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहाँ से इन दोनों देशों को इतने खतरनाक और बड़े बड़े हथियार मिल रहे हैं? इन दोनों देशों की डोर किन्होंने थाम रखी है ये भी देखने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता ये है कि यदि
दो देशों की इस लड़ाई में रूस जैसी महाशक्ति शामिल हो गई तो विश्व युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। अमेरिका समेत कई देशों ने आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध समाप्त करने की अपील की। पिछले दिनों से जारी इस जंग में अब रूस, तुर्की, फ्रांस, ईरान और इसराइल, इन देशों के शामिल होने का भी खतरा बढ़ चुका है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीधे तौर पर युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इन दो देशों के अलावा और देशों में भी युद्ध जैसी परिस्थितियां आमने सामने। भारत चीन एलएसी पर सीमा विवाद के कारण तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की की आर्मेनिया के खिलाफ चल रही साजिश में रूस बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं, चीन और ताइवान में भी तनाव बढ़ चुका है। चीन लगातार सीमा विवाद को और बढ़ाने का काम करता है। सऊदी अरब ने ईरान के 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आ चुके हैं। छोटे देश जो अपनी आजीविका के लिए, अपने लोगों के भरण पोषण के लिए संघर्ष करते हैं, वो जब युद्ध में उतरते हैं तो निश्चित मानिए उनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतों का स्वार्थ होता है। और दुनिया में बड़ी ताकतें कौन सी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और रूस और अमेरिका की दुश्मनी भी सभी जानते हैं। रूस और अमेरिका दोनों का रोल इस लड़ाई के पीछे जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल रही है, बड़ा अहम है। ये समीकरण क्या है, कौन किसके साथ दिखाई दे रहा है, रूस की वर्तमान मजबूरियां क्या हैं और अमेरिका आखिर इस लड़ाई में किसका पक्ष ले रहा है, इस पर भी गौर करिए। अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध में रूस के शामिल होने की संभावना बढ़ने लगी है, क्योंकि आर्मेनिया के साथ रूस का रक्षा समझौता है। ऐसे में अगर आर्मेनिया की बात होगी तो रूस का होना भी अनिवार्य है। आपको बता दें कि रूस किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अजरबैजान लगातार आर्मेनिया पर ड्रोन हमले कर रहा है। वो ड्रोन हमले के जरिए आर्मेनिया के टैंकों को ध्वस्त कर चुका है। ये ड्रोन तुर्की से खरीदे गए हैं। आर्मेनिया का S-300 मिसाइल सिस्टम नारगोनो काराबाख में उड़ा है। आपको बता दें कि रूस का आर्मेनिया के साथ सैन्य गठजोड़ है, लेकिन उसका अजरबैजान के साथ भी करीबी संबंध है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने प्रण किया कि आर्मेनियाई सुरक्षा बलों के इलाके के छोड़ने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी एकमात्र ये शर्त है कि आर्मेनिया के सुरक्षा बल पूरी तरह से और बिना शर्त हमारे इलाके को छोड़ दें। तो वहीं अजरबैजान की सेना ने ऐलान किया है कि उसने आर्मेनिया का एक S-300 मिसाइल सिस्टम नारगोनो काराबाख में उड़ा दिया। उसने ये भी दावा किया कि करीब 2700 सैनिक अब तक इस जंग में या तो घायल हुए हैं या जान गंवा चुके हैं। उसने ये भी दावा किया कि आर्मेनिया की सेना तोनशीन गांव के आसपास के इलाकों से भाग खड़ी हुई। उधर आर्मेनिया के दावे अलग हैं। उसका कहना है कि अजरबैजान आम नागरिकों पर बम बरसा रहा है, मतलब अब ये दोनों देश युद्ध को उतारू। युद्ध मैदान में रूस। रूस का रक्षा समझौता आर्मेनिया के साथ। पाकिस्तान और तुर्की बतौर इस्लामिक स्टेट अजरबैजान का समर्थन करते हैं। इसके लिए ISI द्वारा और तुर्की सरकार द्वारा आतंकी संगठनों को अजरबैजान युद्ध में भाग लेने और आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा जा रहा है। इन आतंकियों को $2,000 बतौर सैलरी भुगतान भी किया जा रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की समर्थित आतंकी संगठन यहां आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में आर्मेनिया के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान को उनकी साजिश के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। अगर इस युद्ध में रूस कूद पड़ा तो रूस सैन्य शक्ति में इन देशों से कहीं आगे है। तुर्की की अजरबैजान से है दोस्ती। उल्लेखनीय है कि रूस का ईसाई बाहुल का आर्मेनिया में सैन्य अड्डा है, जबकि तुर्की के मुस्लिम बाहुल अजरबैजान से अच्छे रिश्ते हैं। रूस के भी अजरबैजान से अच्छे रिश्ते हैं।
इसी के चलते वो दोनों देशों के बीच टकराव नहीं चाहता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इस युद्ध को लेकर टेलीफोन पर बात हो चुकी है। दोनों ने इलाकों में तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई, जिसके कुछ घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। इस पूरी लड़ाई के बीच में भारत की स्थिति बहुत दिलचस्प भी है और महत्वपूर्ण भी है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि भारत सभी से मैत्री चाहता है और बेवजह किसी से लड़ाई नहीं चाहता है। हम अपने मसलों में भी उलझे हुए हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं, हम उस मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में चल रही लड़ाई में भारत का स्टैंड क्या है, ये जानना भी आपके लिए दिलचस्प रहेगा। दरअसल इस पूरे मामले में तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ हमला बोला, यानी अजरबैजान का साथ दिया है। यही तुर्की पाकिस्तान के साथ बैठता है और कश्मीर की बात भी करता है। पाकिस्तान भी अजरबैजान का समर्थक है निश्चित तौर पर। ऐसे में भारत आर्मेनिया के साथ में है। और अगर हम बात करें युद्ध के सामान की बिक्री की, तो आर्मेनिया एक बड़ा खरीदार भी हमारे लिए रहा है, लेकिन अजरबैजान पेट्रोलियम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ऐसे में भारत उसके साथ भी बिगाड़ नहीं करना चाहता है। भारत की स्थिति इस पूरे युद्ध में और इन दोनों देशों के बीच के समीकरण में क्या है, वो भी देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्ष रोकने का अनुरोध किया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आर्मेनिया और अजरबैजान से अनुरोध किया था कि वो विवादित क्षेत्र नागरोनो काराबाख को लेकर जारी संघर्ष तत्काल रोक दें। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय नबलों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हुए महासचिव एंटोनियो गुतारेस की लड़ाई को फौरन रोकने के लिए आगे आने के अनुरोध का समर्थन किया। आर्मेनिया की सेना से समर्थन पाकर स्थानीय लोगों ने अजरबैजान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस ताजा संघर्ष की वजह से हाल में इस विवाद को सुलझाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा। दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। अजरबैजान ने वीडियो फुटेज जारी करके दावा किया कि युद्ध क्षेत्र में आर्मेनिया के 2 टैंक उड़ा दिए। आर्मेनिया ने कहा कि उसने अजरबैजान के 80 आर्म्ड व्हीकल, 49 ड्रोन, 4 हेलीकॉप्टर्स बर्बाद किए। दोनों ही देशों ने मार्शल लॉ घोषित किया है। आर्मेनिया ने अपने 18 सालों के ऊपर के सभी नागरिकों को देश छोड़कर नहीं जाने के लिए कहा है। नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी जंग में 9000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। रूस और तुर्की में जंग का मंडराया खतरा। इस बीच आर्मेनिया और अजरबैजान में बढ़ती जंग से रूस और तुर्की के इसमें कूदने का खतरा पैदा हो चुका है। रूस जहां आर्मेनिया का समर्थन करता है, तो अजरबैजान के साथ नाटो देश तुर्की और इसराइल खड़े नजर आते हैं। खबरों के मुताबिक आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि है, और अगर अजरबैजान के ये हमले आर्मेनिया की सरजमीं पर होते हैं, तो रूस को मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ सकता है। आर्मेनिया में रूस का सैन्य अड्डा है। इस युद्ध में अगर परमाणु हथियारों से लैस सुपर पावर रूस आता है, तो महायुद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। तुर्की ने दी धमकी, फ्रांस ने दिया करारा जवाब। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग से नाटो के 2 सहयोगी देश फ्रांस और तुर्की में विवाद गहरा गया। फ्रांस में आर्मेनियाई मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तुर्की इस युद्ध में खुलकर अजरबैजान का न केवल समर्थन कर रहा है, बल्कि धमकियां भी देता है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने आरोप लगाया कि फ्रांस आर्मेनिया और अजरबैजान के कब्जे को अपना समर्थन देता है। इस आलोचना पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुर्की को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुर्की युद्ध जैसी धमकी दे रहा है। मैक्रॉन ने कहा कि फ्रांस इसे स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका और रूस के संबंधों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में हालात क्या बने हुए हैं, ये भी अब दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। चीन ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। बात अजरबैजान और आर्मेनिया की हो रही है, चीन भी इसमें एक महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इस छोटे से युद्ध में दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें आ रही हैं।
चीन का स्टैंड इसमें क्या रह सकता है। वो कब्जाधारी चीन जो अपने पड़ोसी मुल्कों की ज़मीन हड़पने के लिए नापाक साजिशें रचता रहता है, वो इस युद्ध में क्या भूमिका निभा सकता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है भारत। भारत को भी चीन के खिलाफ अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अमेरिका के अपने हित हैं। अमेरिका इस युद्ध में, जो कि चीन के खिलाफ संभवतया भारत को लड़ना पड़ सकता है, भारत के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत की तैयारियां क्या हैं, भारतीय सैनिक किस तरीके से तैयार हैं, और किस तरीके से अगर ऐसे युद्ध के हालात हमारे लिए बनते हैं तो हम क्या करेंगे, उस पर भी एक नज़र। एक धमाका और दुश्मन का ठिकाना तबाह। ये महज एक मिसाइल नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान का साक्षात्कार है। यानी लेजर एंटी गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसकी टेस्टिंग महाराष्ट्र के अहमदनगर के आर्म्ड कॉर्प्स इंटर स्कूल के रंज में इसका टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि मिसाइल को अर्जुन टेस्ट पर रखकर फायर किया गया। टेस्ट फायर में मिसाइल ने कई किलोमीटर दूर टारगेट को सटीक तबाह किया। सरहद की ढाल, चीन की चाल। ATGM लेजर गाइडेड मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम। मिसाइल को देश में DRDO ने बनाया। देश के लिए यह बड़ी कामयाबी, क्योंकि यह मिसाइल मॉडर्न टैंक से आने वाले तकनीक से लैस है। इतना ही नहीं, ATGM के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ाया जा सकता है। देश के शूरवीरों का टैंक पर चलता है काफिला चीनियों के अंत का आगाज करने की तैयारी है। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान की 15,000 फीट की ऊंची चोटी पर उड़ती धूल बता रही है कि हमारे जाबाजों के कदम पीछे नहीं हटेंगे। लद्दाख में शूरवीरों का हौसला देखकर ड्रैगन की संतानें भले ही चूहों की तरह अपने बिलों में दुबकी हो, लेकिन चोट का सांप के सफोले कभी भी फन उठा सकते हैं। इसलिए भारतीय सेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। टैंक्स और मिसाइलों के साथ एक और बड़ा फैसला लिया गया। सेना की बढ़ेगी ताकत। सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड मिलेंगे। 409 करोड़ में मोड हैंड ग्रेनेड का सौदा किया गया है। मौजूदा वक्त में जिन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है वो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के। कई तरह की शिकायतें इसमें आ रही हैं। साफ है जिस तरह की परिस्थितियां आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है, ऐसे में हमारी तैयारियां भी दुरुस्त होनी चाहिए। मध्य एशिया में बरसते बारूद के बावजूद चीन की साजिशों का सिरा कम नहीं हुआ। LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर तिब्बत के पठारों पर चीनियों ने फिर तमाशा दिखाया। PLA की वेस्टर्न टीम ने लाइव फायर ब्रेक की। इसके अलावा चीन ताइवान को डराने के लिए समंदर में अपनी फर्जी ताकत का तमाशा करता है। ड्रैगन वर्ल्ड वॉर का अगला टारगेट। चीन के बॉम्बर फिर ताइवान की सरहद में घुसे। पिछले 10 दिनों में 50 से ज्यादा बार ताइवान में घुसपैठ। चीन से ताइवान को खतरा है। जिनपिंग ताइवान को हजम करना चाहते हैं, लेकिन चीनी तानाशाह की हसरत इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली। भूमाफिया ड्रैगन की धज्जियां उड़ाने वाले ताइवान ने भी कमर कस ली है और तैयारी कर ली। ताइवान के रक्षा मंत्री वेई शेंगे ने चीनी आर्मी को खुला चैलेंज दिया। ताइवान चीन से आखिरी सांस और अंतिम सिपाही तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ताइवान के फौलादी इरादों से बीजिंग में हड़कंप है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब अजरबैजान और आर्मेनिया में बरस रहे बारूद का धुआं चीन की दहलीज को खाक करने पहुंचेगा। युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ है, और युद्ध की चाहत भी ताकत के भूखे लोगों की होती है। ताकत की लड़ाई, जमीन को कब्जाने की लड़ाई, इसमें पिसते हैं मासूम लोग। पहला मौका नहीं है, इसी आर्मेनिया और इसी अजरबैजान में मासूमों की जान गई है। ये भी पहला मौका नहीं है कि यही बड़े बड़े ताकतवर देशों ने बेपनाह
बम बरसाए हैं इन तमाम देशों पर, पिसते है आम जनता, मारा जाता है आम आदमी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि युद्ध को विराम दिया जाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन बनाए जाते हैं वो सचमुच एक्टिव हों, वो सचमुच ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचें, क्योंकि युद्ध कभी भी मानवता के लिए अच्छा नहीं होता। हर युद्ध का परिणाम, चाहे वो विश्व युद्ध प्रथम हो, विश्व युद्ध द्वितीय हो, हमने देखा है हर युद्ध का परिणाम भयावह रहा है, सभी के लिए खतरनाक रहा है, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों के हाथ में युद्ध को थामने की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, सहारा प्रणाम।